खबर सिरोही के रेवदर से है, जहां पर प्रसव के दौरान महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। परिजनों ने आबू रोड अस्पताल के बाहर हंगामा किया है और धरना दिया है। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों का आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रसव करवाया था। रेवदर के राजकीय अस्पताल का यह पूरा मामला है। प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में गुस्साए परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रसव करवाया था, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। रेवदर राजकीय अस्पताल का यह पूरा मामला आपको बता रहे हैं। सिरोही जिले के रेवदर से आपको खबर बता रहे हैं। प्रसव के दौरान महिला की मौत होने का मामला सामने आया है। राजकीय अस्पताल में प्रसव करवाया गया तो वहीं महिला की मौत के बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के द्वारा प्रसव करवाया गया है, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। रेवदर के राजकीय अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लापरवाही का आरोप यहां पर लगाया जा रहा है। आबू रोड अस्पताल के बाहर हंगामा किया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया। परिजनों का आरोप कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रसव करवाया, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता पुनीत। पुनीत, क्या कुछ अपडेट है? विरोध प्रदर्शन किया गया है, आरोप लगाया गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने प्रसव करवाया, जिसके चलते प्रसूता की मौत हो गई। जी आशीष, जी आशीष, बताना चाहूंगा कि पूरा मामला सिरोही जिले के रेवदर तहसील का है, जहाँ पर राज्य के अस्पताल में प्रसव के उपरांत एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि परिजन महिला की मौत पर अस्पताल के बाहर हंगामा कर दिया है जी। और परिजनों का कहना है कि मतलब महिला का प्रसव किसी डॉक्टर ने नहीं, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने किया, जिसको लेकर परिजन हंगामे पर लगे हुए हैं। वहीं घटना को देखते हुए विधायक जगसीराम खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से पूरे मामले की बात कही, वह आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। जी आशीष, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्या धरना समाप्त कर दिया गया है? मामला जो गरमाया था वो मामला क्या शांत हो चुका है और महिला का शव क्या परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है? जी आशीष, बताना चाहूंगा कि विधायक जगसीराम कोहली खुद ही मौके पर पहुंचे हुए हैं, परिवारजनों से बात कर रहे हैं और परिवारजनों को समझाइश के बाद आश्वासन दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, दोषियों के खिलाफ। उसके बाद परिजन समझाइश के बाद हंगामे से शांत हो गए। जी आशीष जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पुनीत रावल हमारे संवाददाता, जिन्होंने बताया कि विधायक ने समझाइश की है, जिसके बाद मामला शांत हुआ है।